ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम ज्योतिष में चर्चा करेंगे सूर्य और शनि की युति कुंडली के अष्टम भाव में जब होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अष्टम भाव जो है वो आयु का स्थान होता है और इस भाव में कोई भी ग्रह होता है उसका ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं होता। अब सूर्य और शनि अष्टम भाव में होकर जातक को क्या-क्या प्रभाव देंगे इसके ऊपर हम विचार करेंगे। और यदि जन्मपत्री में सूर्य दूसरे भाव में हो, शनि अष्टम भाव में हो, तो भी सूर्य और शनि की युति का प्रभाव जातक को प्राप्त होगा। चाहे शनि दूसरे भाव में हो या सूर्य अष्टम भाव में हो, तो भी सूर्य शनि की युति का प्रभाव जातक को प्राप्त हो सकता है। और अष्टम भाव में जब सूर्य और शनि इकट्ठे होते हैं तो क्या प्रभाव होता है इसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। अष्टम भाव का कारक जो है वो शनि होता है और अष्टम भाव में जब सूर्य और शनि होते हैं तो उनकी वस्तुएं होती हैं बिच्छू और पुड़पुड़ी। मतलब कि जो दिमाग का जो भाग होता है इसे पुड़पुड़ी कहा जाता है। इसका भी विचार तब होता है जब सूर्य और शनि अष्टम भाव में होते हैं। और अष्टम भाव से किन विषयों का विचार किया जाता है एक बार हम इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। अष्टम भाव से गुदा का विचार किया जाता है, अंडकोश का विचार किया जाता है, आयु का विचार किया जाता है और जनन इंद्रियों का विचार भी अष्टम भाव से होता है। पूर्व जन्म का विचार अष्टम भाव से होता है। गर्भाशय, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा और स्त्रियों की कुंडली में वैधव्य योग और जातक के दुखों का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। शोक, इसका विचार भी अष्टम भाव से होता है। और अष्टम भाव में जब कोई ग्रह होता है, पाप ग्रह होता है, तो जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको कर्मजन्य रोग कहा गया है। अर्थात अष्टम भाव से कर्मजन्य रोगों का विचार भी किया जाता है और कर्जे का विचार भी अष्टम भाव से होता है। और लाल किताब के अनुसार जो अष्टम भाव होता है वो कुंडली की आंखें होती हैं। लग्न का ग्रह, लग्न जो है वो कुंडली का राजा, सप्तम भाव जो है वो मंत्री, अष्टम भाव जो है वो आंखें होती हैं, अर्थात राजा की आंखें होती हैं। और जिनकी कुंडली में सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में होती है ऐसे जातकों का जन्म जो है शाम के समय लगभग 5 बजे के बाद ऐसे जातकों का जन्म होता है। तो सूर्य और शनि की युति के प्रभाव से शुक्र के ऊपर बहुत मंदा असर होता है। शुक्र जो है लगभग नष्ट हो जाता है। यदि कुंडली में शुक्र बलि ना हो, अच्छी अवस्था में ना हो, तो जातक को गृहस्थ सुख में बहुत कमी होती है, पत्नी के सुख में कमी हो जाती है, विवाह बहुत देर से होता है, तलाक की संभावना रहती है या पत्नी रोगग्रस्त रह सकती है। ये इसका एक विशेष प्रभाव होता है सूर्य शनि का। इसके कारण शुक्र मंदा हो जाता है और उसके बाद सूर्य और शनि की युति से मंगल जो है वो भी अशुभ हो जाता है, मंगल बध हो जाता है। उसका भी अशुभ प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है और जातक में साहस की कमी हो सकती है, संतान सुख में कमी हो सकती है और जीवन में लड़ाई झगड़े और परेशानी रह सकती है। इसके बाद सूर्य और शनि की युति कुंडली में होने पर यदि बुध मंदा हो रहा हो तो इस युति का जो मंदा प्रभाव है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अर्थात जातक को अपना बुध जो है वो ठीक करना चाहिए, बुध के उपाय भी करने चाहिए। बुध यदि कुंडली में अशुभ हो रहा है तो सूर्य शनि की युति के मंदे प्रभाव जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और सूर्य शनि की युति होने पर कुंडली में राहु जो है वो भी अशुभ हो जाता है, उसके भी अशुभ प्रभाव होते हैं। राहु के उपाय भी करने चाहिए
और कुंडली में गुरु जो है वो भी कुछ मंदा प्रभाव जातक को दे सकता है। सूर्य और शनि की युति का प्रभाव जातक के पिता के लिए अच्छा नहीं होता। जातक का अपने पिता से वियोग हो सकता है, पिता से मनमुटाव हो सकता है, पिता से दूरी हो सकती है और पिता का स्वास्थ्य जो है खराब रह सकता है। और खासकर जातक की 20 वर्ष की आयु तक जातक पिता पर भारी होता है, पिता को कष्ट की संभावना रहती है। इसके बाद आगे विचार करते हैं, जातक को 22 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु के मध्य में समय जो है वो कष्टदायक हो सकता है, संघर्ष वाला हो सकता है। और 36 वर्ष की आयु से लेकर 39 वर्ष की आयु तक जातक को राहु के अशुभ प्रभाव मिल सकते हैं और इन वर्षों के दौरान भी जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम रोग के ऊपर विचार करते हैं। अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति होने पर कौन कौन से रोग जातक को हो सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति होने पर विभूति नाम के रोग की संभावना रहती है। ये विभूति रोग क्या होता है, इसके बारे में कोई आयुर्वेद के जानकार ही बता सकते हैं। उसके बाद पेट रोग जातक को होता है, पेट रोग की संभावना रहती है। हृदय से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है, हड्डियों से संबंधित रोग होना, शरीर की नसें कमजोर होना, शरीर कष्ट रहना, सिर से संबंधित रोग होना और कफ जन्य रोग होना, बलगम ज्यादा रहना शरीर में, ऐसी समस्या जातक को भी हो सकती है और जातक के पिता को भी कफ विकार हो सकते हैं। वायु विकार से जातक को कष्ट की संभावना रहती है। नेत्र रोग की संभावना होती है, गुदा से संबंधित रोग होने की संभावना होती है, जैसे बवासीर या भगंद्र होना, और अंडकोष से संबंधित रोग होने की भी संभावना इस युति के कारण रहती है। अब हम जातक के ऊपर होने वाले अन्य प्रभावों का विचार करते हैं। ऐसे जातक जो हैं विदेश में रहने वाले होते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, विदेश में निवास कर सकते हैं। जब मन में इनके विदेश जाने की प्रबल इच्छा होती है और ऐसे जातक ज्यादातर समय घर से बाहर रहने वाले होते हैं, और ऐसे जातक कोई इंजीनियर हो सकते हैं, जातक के पिता भी कोई इंजीनियर हो सकते हैं, और ऐसे जातक कोई कार रेसर हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, केमिकल के जानकार हो सकते हैं, धातुओं के जानकार हो सकते हैं, बर्तन आदि बनाने के कार्य में दक्ष हो सकते हैं, और कोई ऑटोमोबाइल डिजाइनर हो सकते हैं। और ऐसे जातकों को शत्रुओं से बहुत पीड़ा होती है। ऐसे जातक धार्मिक होते हैं, अल्पशील होते हैं, धैर्यहीन होते हैं और कुछ जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। और अष्टम भाव में सूर्य शनि होने से जातक जो हैं नकल करने में भी बहुत होशियार होते हैं। आगे इस युति के कारण बनने वाले योगों के ऊपर हम विचार करते हैं। यदि लग्न में गुरु हो या चंद्रमा हो तो बाला रिष्ट योग होता है। जातक को कष्टों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना आदि से भी कष्ट की संभावना रहती है। उसके बाद सिंह राशि में सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में होने पर जातक को वाहन आदि में दुर्घटना की संभावना रहती है और हथियार आदि से भी चोट लगने की संभावना रहती है। और जब कोई संतान संबंधी प्रश्न किसी ज्योतिषी से पूछता है, उस समय यदि सूर्य और शनि अष्टम भाव में हो तो ऐसे में स्त्री जो है वो बंध्या है, ऐसा कहना चाहिए संतान संबंधी प्रश्न में सूर्य शनि यदि अष्टम भाव में हो। उसके बाद यदि किसी स्त्री जातक की कुंडली में सूर्य शनि अष्टम भाव में होते हैं तो वैधव्य योग बनता है, किंतु यदि कुंडली के दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो वैधव्य योग जो है वो नहीं होता, वैधव्य योग का कोई प्रभाव नहीं होता। इसके बाद सूर्य शनि की युति कुंडली के अष्टम भाव में होने पर यदि मंगल की दृष्टि इस युति के ऊपर पड़ रही है तो अशुभ प्रभाव होते हैं। जातक को अग्नि से भय होता है, बिजली से भय होता है, हथियारों की चोट से भय होता है
या शत्रुओं के द्वारा जातक कष्ट पाता है, शत्रुओं से पीड़ा होती है और मंगल की दृष्टि के प्रभाव से फांसी आदि से भी कष्ट होने की संभावना होती है, सर्प से कष्ट होता है या बंधन आदि से भी कष्ट हो सकता है, जेल में जाने की संभावना भी हो सकती है या किसी अन्य प्रकार के बंधन में रहने की संभावना इससे बनती है। वृश्चिक राशि में यदि अष्टम भाव में युति हो और मंगल जो है बुध के नवांश में होकर बुध के द्वारा दृष्ट हो तो ऐसे में दत्तक पुत्र होने का योग कुंडली में बनता है। उसके बाद यदि कुंडली में सूर्य और शनि एक ही द्रेष्ठांश में हो या नवमांश में हो या त्रिशांश में हो तो ऐसे में म्लेच्छ होने का योग कुंडली में बनता है। उसके बाद अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यदि चंद्र और मंगल की युति कुंडली में दूसरे भाव में, छठे भाव में या 12वें भाव में हो या फिर चंद्र और मंगल अलग अलग होकर दूसरे भाव में, छठे भाव में या 12वें भाव में हो तो ऐसे में वात, पित्त और कफ इन दोषों के कारण नेत्र रोग होते हैं और नेत्रहीनता भी हो सकती है। उसके बाद कुंडली में युति से छठे या 7वें भाव में चंद्रमा हो तो भी वैवाहिक सुख में कमी आती है, वैधव्य योग होने की संभावना होती है। और सूर्य शनि की युति कुंडली में अष्टम भाव में होने पर जातक को कोई नया मकान नहीं बनाना चाहिए और कोई मकान नहीं खरीदना चाहिए, इसका भी जातक के ऊपर अशुभ प्रभाव होने की संभावना प्रबल होती है। उसके बाद कुंडली में यदि मंगल दूसरे भाव में हो तो ऐसे में जातक लड़ाई झगड़े में कष्ट पाता है, हथियार आदि से कष्ट पाने की संभावना रहती है। और सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में होने पर जातक का भाग्य उदय जो है 36 वर्ष की आयु के बाद होता है, ऐसी प्रबल संभावना होती है। अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति से बंधन योग भी बनता है, जातक किसी अपराध में जेल भी जा सकता है। और सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में होने पर 6 वर्ष की आयु में, जब जातक की आयु 6 वर्ष की होती है तो माता पिता को कष्ट होने की संभावना होती है या माता पिता को धन हानि का सामना करना पड़ता है। और आयु का 32वां वर्ष जातक के लिए परेशानी वाला हो सकता है और 39वां वर्ष तथा 48वां वर्ष भी जातक के लिए धन हानि वाला हो सकता है। इन वर्षों में जातक को सावधान रहना चाहिए, इन वर्षों में धन की हानि हो सकती है, कोई नुकसान जातक को हो सकता है। इसके बाद आगे बनने वाले योगों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सूर्य और शनि की युति अष्टम भाव में होने पर यदि युति मकर राशि में हो या कुंभ राशि में हो और शनि अस्त हो रहा हो तो ऐसे में जातक को 32 वर्ष की आयु में प्रबल कष्ट की संभावना होती है। और सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में होने पर कुंडली में राजयोग भी बन सकता है। वो राजयोग कैसे बनेगा इसके ऊपर भी हम विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव में कोई पाप ग्रह हो और बाकी शेष सभी ग्रह जो हैं अष्टम भाव से लेकर 12वें भाव के मध्य में हो तो ऐसे में राजयोग बनेगा। अर्थात 12वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो और बाकी शेष ग्रह जो हैं नवम भाव में, दसम भाव में और 11वें भाव में हो तो राजयोग बनता है, जातक धन वैभव से संपन्न होते हैं। और सूर्य शनि की युति कुंडली में अष्टम भाव में होने पर जातक के शरीर के ऊपर बर्थमार्क हो सकता है, गुप्त अंगों के ऊपर या शरीर में कहीं अन्य भाग के ऊपर बर्थमार्क हो सकता है, जन्म से कोई लहसुन का निशान हो सकता है। यदि जन्मपत्री में सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में हो और अष्टम भाव में भुजंग नाम का द्रेष्ठकाण बनता हो तो ऐसे में जातक जो है कारागार में कष्ट पाते हैं और या यूं कहें कि कारागार में मृत्यु प्राप्त करते हैं। उसके बाद कुंडली के अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। कुंडली में दो दूसरे भाव और 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो ऐसे में जातक को गुदा से संबंधित कोई रोग होता है,
और जिसमें मल आदि ना आने से जातक जो है वो कष्ट पाता है। उसके बाद अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं, भाव 6 और 9 में पाप ग्रह हो तो ऐसे में जातक शत्रुओं के द्वारा बहुत कष्ट पाता है, शत्रु जातक को बहुत परेशान करते हैं। उसके बाद एक अन्य राजयोग के ऊपर हम चर्चा करते हैं, जब जन्मपत्री में भाव 1 और भाव 12 में कोई पाप ग्रह बैठा हो और सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो ऐसे में राजयोग बनेगा, जातक धन वैभव से संपन्न होकर सुखी जीवन व्यतीत करेगा। उसके बाद अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं, सूर्य और शनि की युति अष्टम भाव में हो और सूर्य जो है वो बलि हो तथा कुंडली के भाव 6 में शुक्र बैठा हो तो ऐसे में जन्म के समय ही जातक और जातक की माता के ऊपर कोई कष्ट आने की संभावना रहती है। और कुंडली में सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में होने पर इस युति से केंद्र स्थान में यदि मंगल बैठा हो तो जातक को अंडकोष से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं उपायों के ऊपर, सूर्य शनि की युति कुंडली में होने पर कौन कौन से उपाय जातक को करने चाहिए। वैसे प्रत्येक भाव के अनुसार इस युति के अलग अलग उपाय हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है जहां से आप ज्यादा उपायों की जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे जातकों को सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। शराब मांस आदि का सेवन ऐसे जातकों को नहीं करना चाहिए। कोई मकान नहीं बनाना चाहिए, मकान खरीदना भी नहीं चाहिए। ऐसे जातकों को गाय की सेवा करनी चाहिए, अपना जीवन जो है गाय की सेवा में समर्पित करना चाहिए, इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और ऐसे जातकों को शनि की कोई भी वस्तु शरीर पर धारण नहीं करनी चाहिए। और ऐसे जातकों को शेर मुख मकान में नहीं रहना चाहिए। और ऐसे जातकों को बुध से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। अब हम विचार करते हैं प्रत्येक राशि में सूर्य और शनि की युति का कैसा प्रभाव होगा, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। मेष राशि में सूर्य और शनि की युति अष्टम भाव में होने पर जातक को फोड़ा फुंसी आदि से कष्ट होता है, फोड़ा फुंसी आदि रोग जातक को होते रहते हैं, रक्त विकार होता है, सिर से संबंधित जातक को रोग हो सकते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे जातकों को ब्राह्मण श्राप से संतानहीनता होती है। उसके बाद वृक राशि में सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में होने पर जातक को माता के सुख में कमी होती है, माता से वियोग हो सकता है, आमदनी कम होती है, खर्चा अधिक होता है, शिक्षा में विघ्न आते हैं और संतान सुख में भी ऐसे जातकों को कमी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम विचार करते हैं मिथुन राशि में सूर्य और शनि की युति अष्टम भाव में होने पर यदि कुंडली में लग्नेश उच्च हो तथा शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक को देर से संतान की प्राप्ति होती है। और यदि कुंडली में सूर्य और शनि दोनों निर्बल हो तथा लग्नेश बलि अवस्था में हो तो ऐसे में जातक के जन्म के समय ही माता पिता को कष्ट आता है, या जातक छोटी आयु में ही जातक का अपने माता पिता से वियोग हो जाता है। उसके बाद कर्क राशि में सूर्य और शनि की युति अष्टम भाव में होने पर यदि युति के ऊपर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक को अग्नि से भय होता है, बिजली से भय होता है, हथियारों से भय होता है और दुर्घटना आदि होने की संभावना रहती है, कोई वाहन दुर्घटना होने की संभावना रहती है और फोड़ा फुंसी आदि रोगों से भी जातक कष्ट पाते हैं और ऐसे जातकों के पिता पर रात के समय कष्ट आता है। उसके बाद सिंह राशि में सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में होने पर जातक को पिता के सुख में कमी होती है, जातक स्वयं भी शरीर कष्ट प्राप्त करता है, गले से संबंधित कोई रोग हो सकता है और मंगल की दृष्टि यदि इस युति के ऊपर हो तो जातक को अग्नि से बिजली से भय होता है, हथियारों से चोट लगने का भय होता है, फोड़ा फुंसी आदि की समस्या होती है और
कोई वाहन दुर्घटना में जातक कष्ट प्राप्त करता है, या कोई जहाज आदि की दुर्घटना में जातक कष्ट प्राप्त करता है। गर्मी जन्य रोग होने की संभावना होती है और एक से अधिक विवाह जातक के हो सकते हैं। इसके बाद कन्या राशि में सूर्य शनि की युति होने पर जातक को शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है और गले से संबंधित रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। उसके बाद तुला राशि में युति होने पर सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में तुला राशि में होने पर फोड़ा फुंसी आदि रोगों से जातक कष्ट पाते हैं। रक्त से संबंधित विकार जातक को होते हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि में सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में होने पर यदि कुंडली में लग्नेश उच्च राशि में बैठा हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को बहुत देर से संतान की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में पंचम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो जातक को हृदय से संबंधित रोग होते हैं। उसके बाद धनु राशि के ऊपर विचार करते हैं। सूर्य और शनि दोनों निर्बल अवस्था में हो तथा कुंडली में लग्नेश बली हो तो ऐसे में जातक के जन्म के समय ही माता पिता के ऊपर कष्ट की संभावना रहती है, या जातक का बचपन से ही अपने माता पिता से वियोग हो जाता है और रात्रि के समय जातक के पिता को कष्ट की संभावना ज्यादा होती है और माता पिता के सुख में जातक को कमी होती है। और ऐसे जातक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई उच्च पद भी ऐसे जातक प्राप्त कर सकते हैं और राजदंड के भय से जातक को मानसिक परेशानी होने की संभावना भी होती है। उसके बाद मकर राशि में सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में होने पर जातक को राजदंड के भय से, कानून के भय से मानसिक परेशानी की संभावना रहती है और जातक रोग ग्रस्त भी रह सकते हैं। उसके बाद कुंभ राशि में सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में होने पर जातक वाहन आदि में दुर्घटना में कष्ट पाते हैं और एक से अधिक विवाह हो सकता है और बात जन्य उन्माद होने की संभावना रहती है। इसके बाद मीन राशि में सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में होने पर जातक को शरीर कष्ट रहता है और चोरों से धन हानि होती है, ठगों से धन हानि होती है और सिर से संबंधित रोग जातक को हो सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है और पिता के सुख में ऐसे जातकों को कमी होती है। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में बन रही है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।